जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, 4 जुलाई मंगलवार का दिन, आज इंद्र योग है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 8:25 तक शुक्र स्वामी होगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य स्वामी होगा। आज त्रिपुष्कर योग है, चंद्रमा आपकी कुंडली में आपका भाग्य विधाता बनकर सुख स्थान में गोचर कर रहा है। वहीं आज आपकी कुंडली में शुक्र सूर्य का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है। आज त्रिपुष्कर योग भी है, बड़ा भाग्यशाली दिन है, क्योंकि प्रथम मंगला गौरी वर्ष से सावन माह का आरंभ हो रहा है। आज का दिन आपके लिए तरक्की भरा होगा, सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि आज बृहस्पति का प्रभाव आपकी कुंडली में राहु के साथ सप्तम भाव पर है। आपके लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है, साथ ही बृहस्पति की शक्ति से आपके भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, अचानक सफलता कामयाबी का सुख भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के जीवन में नई नई खुशियां मिलेगी, सफल समय की शुरुआत हो चुकी है, जो बहुत लाभ और धन सौभाग्य के साथ आपके लिए तरक्की का रास्ता भी खोलेगा, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ और भाग्यशाली है। आज आपकी कुंडली का सप्तम भाव बृहस्पति से राहु से प्रभावित है, जबकि लग्न में केतु बैठा है। आज ये भाग्यशाली समय है, क्योंकि सुख भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। आपकी कुंडली का पंचम भाव शनि से प्रभावित है, भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर है, बुध का गोचर है, कर्म स्थान में शुक्र बैठा है और मंगल आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहा है। स्थिति आपके अनुकूल है, यानी जीवन में बड़ी सफलता का योग भी बन रहा है और आपके लिए समृद्धि और सौभाग्य का सुख भी प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आज का दिन आपकी शक्ति, आपकी समृद्धि, आपके जीवन में उत्साह और उमंग को बढ़ाएगा। शुभ समय आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली होगा। शुक्र और सूर्य के प्रभाव से बृहस्पति और मंगल की दृष्टि से तुला राशि के जीवन में बड़े लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। शुक्र आपके लिए लग्न का स्वामी है, सूर्य आपके लिए लाभ स्थान का स्वामी है, बृहस्पति पराक्रम भाव का स्वामी है, तो मंगल धन भाव का स्वामी है। आज बृहस्पति और मंगल की दृष्टि से आपके बहुत सारे अधूरे काम पूरे होंगे, घर परिवार में खुशियां बढ़ेगी, मान सम्मान और भाग्य का साथ है आपको प्राप्त होगा, जीवन की रुकावटें दूर होगी, सुख बढ़ता है, बाधाएं दूर होती है, लाभ का अवसर मिलता है, मजबूत इच्छा शक्ति बहुत तरक्की देता है, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है, यानी सुख की कामना आपको संतुष्टि देता है, जीवन में भोग विलास बढ़ता है, समस्याओं का समाधान होता है, खुशखबरी और सुख आपके जीवन में प्राप्त होता है, क्योंकि आज शुक्र और सूर्य से साहस भी बढ़ेगा, काम करने का सामर्थ्य भी प्राप्त होगा, मजबूत इच्छा शक्ति भी होगी और कम उम्र में ज़्यादा सुख पाना, कम उम्र में बड़ी तरक्की करना, शुभ स्थिति, अच्छे समय की शुरुआत आपके मन की विश्वास को बढ़ाता है और त्रिपुष्कर योग में आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। त्रिपुष्कर योग अत्यंत शुभ योग होता है,
जो लाभ देता है, सुख देता है, उत्साह पराक्रम को बढ़ाता है, सफलता की बुलंदी पर पहुंचाता है, कार्य की गति को तेज करता है और जीवन में धन कमाने का साधन देता है। यानी तुला राशि वालों के जीवन में स्वाभिमान और लाभ का योग है। आज इंद्र योग है, इंद्र योग में परिस्थिति बदलती है, इंद्र योग में मनोकामना की सिद्धि होती है, इंद्र योग में सौभाग्य और लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन की परेशानी कम होने लगती है। बेहद ही शुभ समय जो अच्छे अवसर आपके लिए लेकर आता है, जिसके प्रभाव से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जिसके प्रभाव से स्थिति आपकी मजबूत होती है। आज ये बड़ा खुश मिजाज आप होंगे, धन का आगमन होगा, वहीं दूसरी तरफ सफलता का सुख भी प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए समय बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का शुक्र जो आपकी कुंडली के कर्म भाव में बैठा है, अपने कर्मों से जीवन का सुख है और जीवन में तरक्की आप प्राप्त करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बुध के साथ गोचर कर रहा है, जिसके प्रभाव से आपके लिए समय शुभ है। वहीं मंगल को देखें तो आपकी कुंडली के लाभ स्थान में बैठकर धन समृद्धि से आपको परिपूर्ण बना रहा है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी बुध है। यानी मन की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, जीवन में उत्साह उमंग बढ़ सकता है, भाग्य की शक्ति से जीवन में तरक्की का योग है, समृद्धि और सौभाग्य का योग है। बृहस्पति का लग्न के ऊपर दृष्टि डालना, नौकरी व्यापार आपका अच्छा चलेगा, जीवन की मुश्किलें दूर होगी, सफलता कामयाबी का योग है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उलझने बढ़ेगा और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। ये जो उलझन है वो थोड़ा सा केतु के कारण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका मन चंचल होगा, जीवन में उत्साह उमंग होगा पर मन थोड़ा चंचल होगा, जिसके कारण अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप ज़्यादा उत्साहित होंगे। बृहस्पति मंगल की दृष्टि से लाभ का योग है, सौभाग्य का योग है। तो विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा। आज का पंचांग 4 जुलाई मंगलवार का दिन, सावन माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, आज सावन आरंभ हो रहा है। आज ये त्रिपुष्कर योग है, चंद्रमा का सुख भाव में गोचर करना, साथ ही बृहस्पति मंगल की दृष्टि से शुक्र सूर्य के प्रभाव से शानदार समय जो बहुत लाभ देगा, नेतृत्व की क्षमता देगा, आपकी जीवन में तरक्की का रास्ता खोलेगा और आपके भाग्य को चमकाएगा। बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, जो आपके लिए बड़ा सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला और सुखमय जीवन प्रदान करने वाला साबित होगा। आज राहु काल 3:54 से 5:39 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज त्रिपुष्कर योग 1:38 से आरंभ होगा, जो आपके लिए बड़ा ही शुभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:07, अभिजीत मुहूर्त 11:58, विजय मुहूर्त 2:45 आपके लिए बड़ा लाभकारी है। आज आप उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें, आपके लिए लकी कलर ऑरेंज होगा, लकी नंबर 3 होगा। यानी आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, जिसके प्रभाव से बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता, भाग्य में धन संपत्ति का सुख है और जीवन में खुशियां बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए समय बड़ा भाग्यशाली है, आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ है। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के आशीर्वाद से भाग्य आपका साथ देगा,
हनुमान जी के आशीर्वाद से तरक्की होगी, हनुमान जी के आशीर्वाद से सुख संपत्ति बढ़ेगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही आपके बिगड़े काम बनेंगे। तो आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।